मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको मालूम है, एक वीडियो मैंने अपलोड किया था आपको पीसी सॉलिड यान प्रोसेस के बारे में, और उसमें अपने डिटेल में बताया कितना टाइप का सेट बना सकते हैं, रॉ मटेरियल क्या क्या बताया था, मतलब पॉलिएस्टर जाएगा रिसाइकल का, और उसमें वन डाइड में भी कुछ लॉट में है, कुछ लॉट में डोप डाइड है, मतलब ब्लॉक सेट में डोप डाइड है, बाकी वन डाइड ले सकते हैं, और जो कटन परसेंट रहेगा मिक्स बंडा रहेगा, और मिक्स बंडा कटन का रहेगा, और ये जो होता है इसको अपन एक कलर डाई करेंगे, जैसे रेड कलर का सेट चलाएंगे, पॉलिएस्टर रेड कलर लेंगे तो ये मिक्स बंडा भी रेड कलर करेंगे, ब्लू लेंगे तो ब्लू करेंगे, जैसे जो कलर जाएगा उसी हिसाब से इसका कलर करके डालते थे। चाहे अपन 42-48 चला सकते हैं, और 65-35 पीसी का, और 80-20 जैसा भी रिक्वायरमेंट है ऐसे अपन चला सकते हैं, क्योंकि इसको अपन ब्लोरूम ब्लेंड कराएंगे। और मैं देखो एक एग्जांपल दे रहा आपको, काउंट 20-24-30 का रहेगा ये 42-48 ब्लेंड का, मैंने बता रहा हूँ ये पीसी 42-48 ब्लेंड का ही है। तो उसके लिए देखो मैंने मिक्सिंग तक बता दिया था, मतलब मिक्सिंग कैसे लगेगा, फाइबर कैसे लेंगे, तेल पानी क्या यूज होगा बता दिया था। आज प्रोसेस पैरामीटर का बताऊंगा, और सबसे पहले देखिए ब्लोरूम कार्डिंग का ही मैंने इधर लिख रखा। ब्लोरूम कार्डिंग में क्या होता है, देखो बिटर स्पीड 650 से 700 आरपीएम तक रखना है। जैसे अपना आपको मालूम है, अपन नॉर्मल पीसी में जो ग्रे पीसी रहता है बिटर स्पीड वही 850 तक अपन रखते हैं, लेकिन इस पे जनरली हम कम रखेंगे। कम इसीलिए रखेंगे, आपको बता दूं जो कटन पोर्शन है अपना मिक्स बनना है, वो एक बार अपना रिंग फ्रेम तक चल के फिर वापस मिक्सिंग में यूज कर रहे हैं, तो अपने लिए वो वेस्ट जैसा है, इसीलिए वो फाइबर का अपन एक बार अपन प्रोसेस करके दोबारा प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए अपन इसमें हर स्टेज पे स्पीड कम रखेंगे। ब्लोरूम का बिटर स्पीड 650 से 700 तक मैक्सिमम रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे। उसके बाद देखो कार्डिंग सिलेंडर स्पीड 450 आरपीएम रखेंगे, और आप इसको नजर मारना पूरा, ये सारे चीज में हम थोड़ा कम कम रखेंगे स्पीड, इसमें कम कम रखेंगे, ताकि जो कटन पोर्शन जो डाले वेस्ट वाला बोलना उसे कोई क्वालिटी का खराब ना हो। सिलेंडर स्पीड देखो 450 आरपीएम रखेंगे, और ओपनिंग रोलर स्पीड 850 तक इसका रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्पीड देखो 950 से 1000 आरपीएम तक है, अगर इसमें अपन ज्यादा चलाते ज्यादा स्पीड करते लेकिन इनका स्पीड तो नेक्स्ट जनरेशन होगा, इसीलिए अपन 950 से 1000 के अंदर रिकमेंड करते हैं। और फ्लाट स्पीड देखो 280 mm पर सेकेंड, पीसी में अपन जनरली 220-230-240 तक फ्लाट स्पीड रखते हैं, इसमें थोड़ा ज्यादा लिए हुए, इसीलिए ज्यादा लिए हुए क्योंकि इस पर डायरेक्ट फाइबर डालता है, और मिक्स बोलना रीप्रोसेस करके डाइंग करके डालते हैं, उसमें शॉर्ट फाइबर क्वांटिटी थोड़ा जाता है, तो 280 तक ले लेंगे सही रहेगा। और फ्लाट गेज देखो 10-10-10-12-12 ऐसे करके रखेंगे, पीसी का जो फ्लाट गेज ये सही है, कोई ये नहीं, क्वालिटी सही निकलेगा। और डिलीवरी स्पीड देखो 100 से 110 mpm, ये डिलीवरी स्पीड जो 100 से 110 दिया हुआ, तो इसमें देखो अगर आपके डोप डायोड पॉलिएस्टर है तो 100 से 110 कोई दिक्कत नहीं है, आप डोप डायोड चला तो मैं बोलता हूँ 120 तक भी जा सकते हो। जब आप ओल्ड डायोड चलाओगे तो उसमें 10 से 15 mpm कम करना पड़ेगा। और कार्डिंग का रैपिंग 0.120 रखे, 120 इसीलिए रखा है, इसमें अपन 20-24-30 तीनों काउंट अपन को स्पिन करनी है, और इसमें रीप्रोसेस कटन है तो इसीलिए बोंडा वाला डाले हुए, इसीलिए थोड़ा फाइन साइड रहेगा, नेप्स का झमेला नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखिए अपन ड्रॉप हेम का पीसी सॉलिड का यान पैरामीटर के बारे में बता रहे हैं। ड्रॉप हेम में ब्रेकर और फिनिशर का बता रहे हैं, DO6 और RSP का हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी मिलों में अलग अलग कंपनी का ड्रॉप हेम होगा, ये होगा, उसी हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। नंबर ऑफ डबलिंग देखिए 8 डबलिंग रहेगा ब्रेकर और 8 फिनिशर में, मतलब
आठ डिब्बा का आप कॉम्बिनेशन रखना ड्राइव में, ब्रेकर में, फिनिशर में भी। और फिर यहाँ देखो 0.120 अपन कारिंग में जैसे बोला था ना 0.120 रखेंगे, तो वही फीड यंग हो गया ड्रॉप पे ब्रेकर के लिए। और फिनिशर का फीड यंग हो गया 120, और इसका मतलब ब्रेकर का जो डिलीवरी यंग वो भी 0.120 रहेगा, और फिनिशर का जो डिलीवरी यंग 0.110 रखे अपन। अपन कारिंग में इसीलिए फाइन साइड रखे थे, आपको बताया था नेप्स का प्रॉब्लम ना रहे, इसीलिए 0.120 रखे थे। और डिलीवरी स्पीड देखो 300 एमपीएम है ब्रेकर ड्राइव में, और 500 एमपीएम हो गया फिनिशर ड्राइव का, मैक्सिमम है 500 रखना, उसे ज्यादा नहीं बढ़ाना। आपके पास अगर मार्जिन है तो आप 450 एमपीएम भी रख सकते हो। उसके बाद बॉटम रोल गेज का देखो 4650 का आगे का 46 है, ये फ्रंट है और ये बैक है, तो आगे का 46 है, पीछे का 50 है ब्रेकर ड्राइव में, और फिनिशर में ये 45-49 रखना। इसमें आपकी क्वालिटी अच्छा आएगा 45-49 अगर रखोगे। उसके बाद ब्रेक ड्रॉप देखिए, ब्रेक ड्रॉप ब्रेकर में 1.5 और फिनिशर में 1.28। आप ये सोचते होंगे ये पीसी का माल है और इसमें ब्रेक ड्रॉप कम क्यों है, क्योंकि इसको आपको पहले भी बता, जो कर्टन है मिक्स बढ़ा है पहले से अपन ओपन किया हुआ है, उसमें बिल्कुल स्ट्रेंथ कम हो जाता है डाई होने के बाद, इसलिए अपन 1.5 1.28 रखेंगे, ब्रेकडाउन बहुत बढ़िया है। और उसके बाद देखो उस्टर्न 3 से 3.25 तक ब्रेकर में आएगा, फिनिशर में 2.2 से 2.5 तक आएगा। अगर एक वाला उस्टर्न जो ये लिखा मैं इधर, ये 52-48 का हिसाब से लिखा, अगर यही वाला अगर 65-35 का केस होगा या 70-30 होगा 80-20 होगा, ये दो का नीचे भी आप अचीव कर सकते हो, जहाँ पे पॉलिस्टर का क्वांटिटी बढ़ जाएगा। उसके बाद देखो प्रेशर बार का सेटिंग +2 mm का ले लेना, और स्कैनिंग रोल प्रेशर 140 kg ले लेना। और जब अपन पीवी चलाते पॉलिस्टर चलाते 160 तक चलाते, लेकिन इसमें डायर पीसी में 140 kg सफिशियंट है। उसके बाद देखो रैंडमाइजेशन इन कारिंग ब्रेकर एंड फिनिशर मस्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको मालूम है अपन पॉलिस्टर कटर मिक्स कर रहे हैं, अगर अब अगर अपन डिब्बा नंबर के हिसाब से सेटिंग करके फीड नहीं करेंगे तो ब्रेकर फिनिशर ये हो जाएगा पूरा बढ़िया से मर्ज नहीं कराएंगे, तो ब्लेड वेरिएशन का प्रॉब्लम आएगा, कभी कभी सेट वेरिएशन का प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि कटर और पॉलिस्टर जो अपन डाई करते हैं वो पॉलिस्टर अगर नेवी ब्लू करोगे कटर नेवी ब्लू करोगे, उसे कलर में अंतर आएगा, कटर में अलग दिखेगा पॉलिस्टर में अलग दिखेगा। अगर आप रैंडमाइजेशन नहीं करोगे तो ये गड़बड़ा जाएगा, शेड और उसका जो ब्लेंड दोनों ही गड़बड़ा जाएगा, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। लास्ट वाला पॉइंट रैंडमाइजेशन जरूर करना कारिंग ड्राइंग दोनों, ब्रेकर ड्राइंग फिनिशर ड्राइंग और कारिंग में। नेक्स्ट देखिए अपन सिंपलेस का बारे में बात करने जा रहे हैं, पीसी सॉलिड का यान पैरामीटर प्रोसेस का। एवरेज फ्लायर स्पीड देखो 800 से 850 rpm रखना, उसे ज़्यादा नहीं करना, 800 तक रख सकते हो बहुत बढ़िया। रोबिंग हैंग 0.95 रखे, 0.95 इसीलिए रखे, इसमें 20, 24, 30 तीनों काउंट बन सकता है। उसके बाद बॉटम रोल का देखो 46-65 का रखे, 46 का 65 रखे, आगे का ये फ्रंट का रहेगा 46 और बैक का रहेगा 65 mm, ठीक है। और टीएम देखो 0.85 है, अगर आप अगर 65-35 चलाते हो तो इसको और कम कर सकते हो, मतलब 0.8180 तक कर सकते हो, अगर 80-20 चलाते हो तो ये 0.75 तक भी ले सकते हो, 0.75 से 0.70 तक भी जा सकता है 80-20 अगर लेते हो तो। ये 52-48 के हिसाब से 0.85 रख रहा, टीपीआई उसका 0.83 आ जाएगा। और उस्टर देखो 3 से 3.5 तक रख रहा उस्टर, इसमें 3 से 3.5 तक बढ़िया माना जाता है। और ब्रेक ड्रॉप देखो 1.15 रख रहा 52-48 में, अगर आपकी ये ब्लेंड अगर 65-35 होता है 80-20 होता है तो इसको ग्रेजुअली बढ़ा के आप
1.15 से 1.18 1.2 तक भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन 1.15 रखना बाउंड रहता है इसमें। लस देखिए रिमफ्रम के बारे में बता रहा है, जैसे कि आपको बताया था बाउंड 48 पीसी का बनेगा, इसमें कार्डेड में ही अपन ट्रीटमेंट करेंगे क्योंकि अपन कोल्ड साइबर को डाले नहीं इसमें, तो 20 पीसी 24 पीसी और 30 पीसी हो गया, और सब बाउंड 48 ब्लेंड का ही, जैसे बोला था बाउंड 48 ब्लेंड का ही है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड ऑफ स्पीड देखो 20 पीसी 15,500, 24 पीसी 16,500 और 30 पीसी 17,500 है, और टीएम अपन 3.3 3.4 3.5 लिए, क्योंकि आपको पता है पहले से ये जो मटेरियल है नीटिंग पर्पज में और कपड़ा भी बनाएंगे मतलब ऑल पर्पज में है, तो ये टीएम 3.3 3.4 3.5 बहुत बढ़िया टीएम है, और टीपीआई देखो उसी हिसाब से 14.75 16.65 19.17 आ जाएगा, तीनों काउंट का अलग अलग रह जाएगा। और बॉटम रोल गेज देखो 44-62 का रखे, अगर आपके अनड्राफ्टेड वगैरह आता है तो आप इसको थोड़ा सा पीछे का ये बढ़ा सकते हो, ये 65 तक जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर अनड्राफ्टेड आता है, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें स्पेशल भी मैं लिखा नहीं था, स्पेशल देखो 20 काउंट में आप ले लेना 3.5 mm का, ठीक है, और 24 काउंट में 3.25 और 30 काउंट में 3 mm ले लेना, ठीक है, ये बढ़िया रहेगा। और उसके बाद एफिशिएंसी देखो 90-91-92 ऐसे ही आ जाएगा। और रिंग ट्रबलर देखो ये जो मटेरियल है अपन वेस्ट मटेरियल से बढ़ाते हैं, तो इसीलिए छल्ला जो होते हैं इम्पोर्टेड वाला डालिएगा, वर्किंग बढ़िया रहेगा। मैं ब्रैकेट छल्ला का दिया 2 नंबर C1 mm यूडीआर और 20 काउंट में 24 में 10 C1 mm यूडीआर और 30 काउंट में 20 C1 mm यूडीआर ब्रैकेट का छल्ला रहेगा, या कन्हाई का डालो अच्छा जो आपकी प्रोफाइल में चलता है उसी हिसाब से डालना। आईपीआई देखो 200 से 250 तक आएगा 20 काउंट में और 250 से 350 तक आएगा और 30 काउंट में 300 से 450 तक आएगा। आईपीआई इसीलिए आएगा, मैं बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ, कटन जो अपन यूज करते वेस्ट मटेरियल है, एक बार प्रोसेस क्या हुआ इसलिए थोड़ा आईपीआई ज़्यादा आएगा और ऊपर से डायड भी है। और आरकेम देखो 22 से 25 तक आएगा 20 काउंट में और इसमें 24 काउंट में 20 से 22 और 30 काउंट से 18 से 20 तक आएगा। और ये आज का जो ये मतलब ये जो अपना पीसी सैलरी यार्न का पैरामीटर है ये रिंग तक इतना ही है, और ऑटोकॉन में जब आप चलाओगे आप इसमें मतलब स्पीड थोड़ा कम रखना और गेज थोड़ा वाइड साइड रखना, वाइड साइड नहीं रखना मतलब टाइट रखना ताकि अपन निटिंग में कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि पीसी का माल बल्कि रहता है, अगर गेज वगैरह आप ढीला चला दोगे फिर नेडल ब्रेक्स होगा, और अपना जैसे कि माल वेस्ट वाला माल डाला है तो ज़्यादा टाइट गेज रखोगी तो दिक्कत मतलब बढ़िया रहेगा। तो ये आज का पीसी का सॉलिड सेल का पैरामीटर प्रोसेस पैरामीटर इतना मैं समाप्त करता हूँ, थैंक यू।